भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में रुद्रपुर में किसानों ने गांधी पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकाली। यहां उन्होंने अधिकारी को ज्ञापन देना चाहा और किसानों के खिलाफ जारी किए गए बिल को वापस लेने की मांग करना चाही, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनके सामने नहीं आया। इसके चलते किसानों ने ज्ञापन की प्रति फाड़ कर सरकार मुर्दाबाद के नारे भी अपने प्रदर्शन में लगाए। किसान आंदोलन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे नंदलाल जी? देखिए, 26 नवंबर से पूरे देश का किसान जो दिल्ली का बॉर्डर है उस पे उसको घेर रखा है। जो 3 काले कानून है उसको वापस लेने की अपनी मांगों को लेकर वहाँ पे डटा हुआ है। आज पूरे देश में जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहाँ पे ज्ञापन देने का किसान यूनियन की तरफ से मामला आया है। आज हम लोग इसी संदर्भ में आज गांधी पार्क में हम लोग एकत्रित हुए, किसानों को समर्थन कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टीज हैं, किंतु इसके बावजूद भी हम लोग का पूरा समर्थन किसानों के हित में, जो भी उनकी मांग है वो पूरी है। हल नहीं निकला, बार बार मोदी जी ने वार्ता करने के लिए बुलाया जितने संगठनों के मेन लीडर थे, लेकिन बुलाकर उनको घुमाने फिराने की बात कही और घुमा फिराकर उनको वापस भेज दिया, और जो बात करनी चाहिए वो उस बात पर आते नहीं है। किसान आंदोलन का आगे की रूपरेखा क्या है? देखो, ये किसान आंदोलन जो है ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये जितने भी हिंदुस्तान की जो किसान यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब यूनाइट हैं। और जो दलाल हैं किसानों के बीच में, कुछ दलाल हैं जैसे मंत्री जी के साथ भी कुछ लोग गए थे, वो एक अलग है। होता ही है किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंदोलन के ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वही प्रयास कुछ 2-4 लोगों ने किया है, लेकिन यहाँ मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, इस प्रांगण में जितने भी लोग खड़े हैं, सब किसान हैं, सब किसान हैं और किसान यूनियन से लोग जुड़े हैं। तो यही है, ये आंदोलन अनवरत चलेगा। और जिस तरीके से भारत सरकार का नजरिया है कांग्रेस के किसान आंदोलन के प्रति, वो अच्छा नहीं है। और ये बार बार समय दे के ये किसानों का जो सब्र है उसका इम्तिहान ले रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि किसान यूनियन से जुड़े सभी लोग यहाँ हैं, सभी लोग यूनाइटेड हैं। तो हम किसान भी हैं, हम सभी लोग किसान भी हैं। तो हम लोग किसान और जवान की हमेशा बात करते रहे, हमारी पार्टी भी बात करती रही, लेकिन पार्टी का बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि तीनों जो एक्ट हैं, तीनों जो कानून हैं वो रद्द हों। ये संशोधन की बात करते हैं, ये सिर्फ पूंजीपतियों को और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं।